निकलो such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm here to hold. Oh my love. Good morning guys, good morning from Kalpa. मैं नींद से उठी और जैसे ही बालकनी खोल के मैं बाहर आई, ये नजारा मेरे सामने. सामने पूरा फॉग से एकदम ढका हुआ है, एकदम फॉग वाइट. सामने जो पहाड़ है वो सब ढक चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा है. किन्नर कैलाश इस साइड में है, इस साइड में किन्नर कैलाश है, शिवलिंग वाला माउंटेन्स. और ये साइड में बहुत सारे पूरा माउंटेन है, लेकिन दिख नहीं रहा. हम लोग यहाँ से जाएंगे टाबो, लेकिन बीच में दो पॉइंट में रुकते हुए जाएंगे नारकंडा और बीच में और एक जगह रुकेंगे और उसके बाद जाएंगे टाबो. टाबो आज होगा हमारा डेस्टिनेशन. यहाँ से 200 किलोमीटर्स है और काफ़ी 8-9 घंटा लगेगा. सो गाइस, हम लोग कल्पा से निकल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:42 और आप देख रहे हो कि हमारी गाड़ी जो है वो लोड हो रही है और एक लगेज अभी बाकी है डालना और एक किसी का लगेज जाएगा. क्लियर हो रहा है क्लाउड और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है. अभी टेम्परेचर है, वेदर तो बहुत अच्छा है एकदम. हाँ, 18 डिग्री और धूप है, हल्की हल्की हवा चल रही है. वेदर तो काफ़ी सुहाना है और आई होप कि आगे चल के भी ऐसा ही वेदर रहे तो हम लोग मज़ा कर पाएंगे. वो उल्टे साइड से गाड़ी आ रहा है. तो आएगा यहाँ पे तो मन बैठो कुछ भी नहीं है. तो लेफ्ट दिखे तब चाकर दूसरे रहेगा. हाँ ना, जाएगा तो. हाँ हाँ, जाएगा तो. चलो स्ट्रेट, चलो स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट. हाँ एकदम अल्प जाएगा. हाँ ठीक है. राइट चेपे बार करो. महिंद्रा दमन जाच्छे पीछे पीछे. नीलेश, नीलेश है नहीं. अच्छा ठीक है, बाद के जाएगा. अच्छा के जाएगा. आज लेफ्ट में जगह है, चलो एकदम. लेफ्ट से जाएगा, आते जाएगा, आते लेफ्ट जाएगा, आते. चल 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 स्ट्रेट स्ट्रेट, सीधा सीधा. हाँ
এখানে নামতে হবে কি গাড়ি চড়ানে? উল্টো দিক থেকে গাড়ি এসে এখানেই দাঁড়া রোহিত ভাবে। আর নীলেশ, নীলেশ আগে কার কো রোকো, আপনি কো চড়াই করনা হ্যায়, আগে কার কো রোকো, ইয়ার অরেঞ্জ কার কো। बस वाले तो डिस्टेंस नहीं रखते ना, एकदम पीछे 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 एक उंगली के गैप में पीछे पीछे आते हैं। ये ऑल्टो वाले को जगह दे दो, नहीं तो पीछे हॉर्न मारते मारते दिमाग खाएगा। जा भाई तू जा, पहले आगे जा। बस तो पता नहीं कौन सी चीज। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ चलेगा अच्छा, बिल्कुल फिट है, बहुत अच्छा लगेगा, एक गारंटी है। और हाँ बस पूरी देख लो शीशे में, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। मेरा भी लिया था फोटो। हाँ आप भी आ गए, तो कहीं भी आपको टोपी लेनी हो यहाँ पे हिमाचल हैंडलूम चौक, ठीक है, चौक है, चौक के बारे में यहाँ से लेना, भैया के पास रिजनेबल प्राइस में है। ब्लास्टिंग वगैरह किया होगा ना, ब्लास्टिंग करके तोड़ते हैं। हाँ। तो वो सब अरे हाँ, वो पत्थर को ब्लास्ट करके रोड बनाते हैं ना, वही शायद रोड का काम चल रहा है। मोटे मोटे पत्थर गिरे हैं आगे। वो भैया बुलाने से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा सर। भाई आगे ब्लास्टिंग हुआ है क्या? आगे ब्लास्टिंग हुआ है क्या? मतलब रास्ता खराब है, मतलब ब्लास्टिंग हुआ है क्या? ये रोड बन रहा है ना? हाँ? रोड चौड़ा हो रहा है क्या? हाँ, ये ऊपर ये लगा है ना जाली, पत्थर आते है ना ऊपर से। हाँ, हाँ. तो ये जाली लगा है ना। ओके ओके चलो आप निकलो निकलो चलो। ओके थैंक यू भैया। निकलो खींच के, खींच के, खींच के, शाबाश। कितने बड़े बड़े पत्थर तोड़ के रखे, ये सब रोड बनेगा शायद, चौड़ा होगा इधर। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े पत्थर, जहाँ पे स्पीति रिवर और सुलतेज रिवर का संगम है, जिसको खाप संगम बोलते हैं, ये दोनों रिवर यहाँ पे आके यहाँ पे नीचे उतर के हाँ। तो पहले जो गाड़ी थी गोली वो बहुत पहले आ गई, हम लोग तो इस चक्कर में फंस गए। ये टोपिया पहन के लग नहीं रहा है। और नज़ारा आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, क्या व्यू है, आप देख सकते हो, ये दोनों साइड से, ये साइड से भी, ये साइड से भी एक फ्लो आ रहा है और ये साइड से भी एक फ्लो आ रहा है।
और पानी का फ्लो जो फोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। माउंटेंस तो हमेशा अलग अलग रूप दिखाते हैं, हर एक मोड पे हर एक टर्न पे आपको अलग अलग रूप देखने को मिलेगा माउंटेंस का। फोटो सेशन ऑफ ऑल द कार्स एंड द ड्राइवर्स और राइडर। किधर है दूसरा? चप्पल कहाँ पे गया भाई साहब? दूसरा क्या? दूसरा चप्पल गुम हो गया, नदी पे गया। आ गए हम लोग नाको लेक, मतलब ये पार्किंग है, लोग जा रहे हैं, बॉयज की टोली आगे जा रही है। हाँ हाँ दिखा, गड्ढा दिखा मुझे। गाड़ी आ रही है, साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है। होटल जंबाला, फ्रेंकी किधर से वापस आ रहा है भाई? ये है नाको लेक, बस जो कि एक तालाब है। वैसे आप लोग अगर थाना में आ जाओगे तो बहुत नाको लेक मल्टीपल नाको लेक। थाना इज अ लेक सिटी। फार्मिंग लेक इज क्लीन, लेक इज क्लीन। और यहाँ पे भी देखो कैसे कल्टीवेशन। नहाने का मन कर रहा हूँ। फाइनली हम लोग जा रहे हैं गुई मोनेस्ट्री, और इस बार हम लोग प्रसाद के कार में जा रहे हैं मून रूफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यहाँ से 10 किलोमीटर है और पहुँच जाएंगे हम लोग। कितना टाइम लगेगा प्रसाद? आधा घंटा। हाँ आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे गुई मोनेस्ट्री।
यहाँ पे लिखा हुआ है उनका हिस्ट्री। अंदर जा सकते हैं हिस्ट्री में ये फैक्ट लिखे हुए हैं जो मतलब रिसर्च करना है। हाँ डिस्कवरी किया था ना इनका। हाँ जी तो डिस्कवरी चैनल वाले आए थे 2002 में। हाँ हाँ तो उन्होंने कार्बन डेटिंग वगैरह किए थे। ओके तो एंट्री मिलता है अंदर जा सकते हैं। अच्छा चूज कर लिया ना तो उन्होंने कार्बन डेटिंग के हेयर सैंपल ले गए थे और इनके गले में फाइब्रिक बेल्ट था। हाँ तो उसका सैंपल ले गए तो कार्बन डेटिंग करने के बाद ये पता लगे 1430 AD से ऐसी पोस्चर में है। ओके और ही वाज पास्ट अवे इन द एज ऑफ 45। ओके 1430 से ये है। ओके और प्रिजर्वेशन के लिए कोई केमिकल यूज नहीं किया। ऐसे नेचुरली प्रिजर्व हो रहा है वो सेल्फ प्रिजर्व कर लेते हैं। उनका मेडिटेशन टेक्निक ऐसा था कि उनको मतलब वो खुद से ही खुद को प्रिजर्व कर रहे थे मतलब। अच्छा दोस्तों गुई मॉनेस्ट्री और इसके इतिहास के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी फ़िलहाल हम लोग चल पड़े हैं टाबो की तरफ जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है और गुई से टाबो की डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। एक घंटा लगता है गूगल के हिसाब से लेकिन काफ़ी अंधेरा हो गया है और ये रास्ता बिल्कुल अनजान है हम सब के लिए तो हम लोगों को लगा 2 घंटा। 9:30 बजे लगभग हम लोग पहुँचे टाबो। सो टाबो के बारे में और टाबो को दिखाएंगे आप लोगों को कल सुबह और आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करेंगे कल। टाबो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और हॉस्पिटैलिटी जो हम लोगों को मिला इसके बारे में भी आपको कल जानने को मिलेगा। सो आज का ब्लॉग होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और बहुत अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट शब खैर एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग वॉग्स।